कितना अच्छा एयर पॉकेट बन गया है, ये देखिए को मैं दिखाती हूँ, एकदम परफेक्ट बैटर बनाया हमारा इडली का। इडली का बैटर बनाने के लिए यहाँ पे उड़द की दाल लेंगे। यहाँ मैंने 1 कप उड़द की दाल लिया है और इसको भिगो के रख दिया था करीब 3 से 4 घंटे के लिए। और इसमें 2 चम्मच मेथी दाना डाला है और फूलने के बाद इसका मैंने पानी निकाल दिया है। ये देखिए फूलने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा ये। और साथ में यहाँ पे मैंने लिया है इडली राइस है, आप चाहे तो जो घर में रेगुलर राइस खाते ना आप वो राइस भी ले लें। इसको भी मैंने सेम 3 से 4 घंटे के लिए भिगोया और उसके बाद इसका पानी निकाल लिया क्योंकि अभी पीसना है ना इसलिए। तो आप देख सकते हैं ऐसे फूल करके मोटा हो गया है। और यहाँ पे लिया है 1/2 कप मैंने पोहा, ये मोटा वाला पोहा है, इसको भी भिगो दिया है मैंने। इसको मैंने अभी ही भिगोया 1/2 घंटे पहले, तो अभी ये देखिए पोहा जल्दी फूल जाता है तो पीसने से पहले भी भिगो दे तो हो जाएगा। चलिए इसको पीस लेते हैं फटाफट। कोई भी आप कटोरी या ग्लास सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप लिया है तो उससे मैंने नापा है। तो ध्यान रखिए 3:1 का रेशियो रखेंगे, 3 कप राइस तो 1 कप दाल रखेंगे और 1/2 कप पोहा। पोहा इसलिए डालेंगे ताकि हमारी इडली सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने। और मेथी दाना ज़रूर डालें ताकि उससे हमारा इडली बैटर फर्मेंट अच्छा होता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 बड़ा जार और उसमें सबसे पहले लेंगे उड़द दाल पीसेंगे। तो उड़द दाल को मैंने 1/2 डाल देती हूँ इसमें और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी करीब 2 से 3 टेबल स्पून। ध्यान रखें ज़्यादा गीला नहीं पीसना है तो इसका ध्यान रखेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके ही डालेंगे, ज़रूरत होगा तो और डाल सकते हैं। तो पीसते हैं। ये देखिए इडली का बैटर बना रहा है तो ऐसा ही रखना है इसको, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो इसको एक बड़े बोल में निकाल लेंगे। तो ऐसे ही सारा बैटर पीसना है। तो पहले दाल को पीसेंगे उसके बाद चावल। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि चावल जब पीसेंगे दाल बहुत स्टिकी होता है, ये उड़द दाल है, तो उसके बाद अब जो चावल पीसेंगे ना उसमें तो सारा दाल आपस में मिल करके निकल जाएगा अच्छे से, उसमें से जार में चिपकेगा नहीं। कहने का मतलब है मेरा कि उसमें जार में सब स्टिकी रहता है, चिपक जाता है, तो उसमें फिर हम चावल डाल के जब पीसेंगे तो सारा हमारा बैटर अच्छे से बाहर आ जाएगा, निकल जाएगा। थोड़ा चावल भी डाल देंगे इसी में क्योंकि जार बड़ा है हमारा। तो पानी डालेंगे, चावल जल्दी पीस जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अच्छे से आपने भिगो के रखा है ना तो पीसना आसान होता है। तो मैंने पोहा भी डाल दिया, चावल भी डाल दिया और एक साथ इसको पीस लिया। ये देखिए पोहा और राइस को भी मैंने अच्छे से पीस लिया है। और ध्यान रहे इडली का बैटर बना रहे हैं तो थोड़ा सा दरदरा रखेंगे, जैसा कि सूजी या रवा होता है ना हाथ में आप लो जैसे लगे, तो बस वैसे ही लगना चाहिए, एकदम बारीक नहीं पीसना है। तो बैटर को पीस लिया हमने यहाँ पे दाल और चावल को और बैटर बन गया। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से पहले, क्योंकि पहले दाल पीसा था, दाल नीचे है और चावल ऊपर, इन सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए ऐसे थिक बैटर होना चाहिए, रनी नहीं होना चाहिए। ऐसे पीस करके आप एक बड़े बर्तन में इसको रख दें ढक के 7 से 8 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए। ये मैंने करीब दोपहर में 3 बजे करीब भिगोया था और अभी रात में मैंने पीसा है 11 बजे। और इसको अब ढक देते हैं ढक्कन लगा के, इसको कल सुबह में चेक करेंगे, फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं। तो मिलते हैं 7 से 8 घंटे बाद, चेक कर लेते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कैसे कितना अच्छा फर्मेंट हुआ है, ये ढक्कन ही ऊपर आ गया है, ये देखिए वाह सुपर। अभी गर्मियों का टाइम है तो बहुत ही आसानी से ईजी फर्मेंट हो जाता है। अगर आप ये बैटर सर्दी में बनाना है
तो क्या करेंगे आप, गरम कपड़े से इसको कवर कर दें। और जिस भी बर्तन में आप बैटर के बना के रखना है ना, तो बैटर में उसमें बर्तन बड़ा लें और उसमें थोड़ा स्पेस रखें इतना, ताकि वो फूल करके ऊपर आ सके। ये देखिए कितना अच्छा एयर पॉकेट बन गया है। ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, एकदम परफेक्ट बैटर बना है हमारा इडली का, इतना अच्छा एयर पॉकेट बना है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हैं और यहाँ पे अब डाल देंगे नमक। नमक क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये इडली के बैटर को प्रिजर्व करता है। अब इसमें से इसको अच्छे से मिक्स कर ले पहले सॉल्ट को। उसके बाद क्या करना है कि आपको जितना ज़रूरत है उतना आप यूज़ करिए, बाकी आप इसे फ्रिज में ढक करके रख दें, कवर करके अच्छे से। और इसे आप 4 से 5 दिन आराम से चला सकते हैं। उसका आप इडली भी बना सकते हैं, डोसा भी बना सकते हैं, चिल्ला भी बना सकते हैं, सॉरी। तो इसे 4 से 5 दिन के लिए आप फ्रिज में रख दें, और इसका आप डोसा ही बना सकते हैं और अप्पे भी बना सकते हैं। और बहुत सारा वेजिटेबल डाल करके आप इसे एक तरीके से अप्पे बनाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये इडली के लिए बैटर एकदम परफेक्ट है, इसे पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डोसा बनाना चाहते हैं इसी बैटर से, तो थोड़ा पानी मिक्स करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसके लिए ये थिक है बैटर। तो बैटर हमारा रेडी है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा एयर पॉकेट बना है। और जिस भी बर्तन में आप इस बैटर को बना के रखे हैं, उसमें इतना स्पेस होना चाहिए कि ये फूलने की जगह होनी चाहिए इसमें, ताकि आराम से ऊपर फर्मेंट होके आ सके। तो बस चलिए इसका फटाफट इडली बना लेते हैं हम।